हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे ONGC की तरफ से, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से बम्पर पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2500 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और ये एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। और इसको यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ इसी बात पर, यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एक लाइक तो बनता है और हमारा मोटिवेशन भी बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। और अगर आप पहली बारी चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता देता हूँ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। अगर आपने ITI कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने यहाँ पे डिग्री कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ब्रांच एलिजिबल है, ऑल ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है और ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। चाहे आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इवन आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो जो स्टेप्स मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप खुद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल से। और इस वीडियो के जो लाइक का टारगेट हमने रखा है वो एक फिक्स रखा है, यहाँ पे आपको 1200 प्लस लाइक करवा देने। अपने दोस्तों के अंदर भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वीडियो उन सभी लोगों तक पहुँच सके जो यहाँ पे एलिजिबल है। और ध्यान रखिएगा कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता देना। इससे क्या रहेगा, फ़ायदा आपको होगा कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको मैं वही अपडेट दूंगा जो आपने मुझको कमेंट बॉक्स में बता रखा है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको उन जॉब्स का अपडेट देखने को मिल जाता है जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाता और यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं रहता। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीमियम टाइप के जॉब का अपडेट बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाता है। लिंक मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो हम बात करेंगे उन्हीं पॉइंट के बारे में जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ONGC की तरफ से, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे 2500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ जो कि नीचे यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। देखिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी वो आपके 2500 से ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। ग्रैंड टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 2500 पद निकाले गए हैं और ये सारी वैकेंसी मेरे भाई फ्रेशर के लिए निकाली गई है। और इसके अंदर ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या फिर अगर आपने यहाँ पे डिग्री कर रखा है वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। और इसके अंदर आपको एक रुपये भी पे नहीं करना क्योंकि ये फॉर्म आपका रहेगा बिल्कुल फ्री का। साथ ही साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन का डेट मेंशन कर रखा है 1 सितंबर 2023 का। साथ ही साथ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी कर दिया है, लास्ट डेट जो आपका रहेगा यहाँ पे वो आपका 20 सितंबर 2023 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो जल्दी से इसको अप्लाई कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात की जाए तो ONGC एक PSU आपको देखने को मिल जाता है। पोजीशन जो आपका रहेगा यहाँ पे आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। अब अप्रेंटिसशिप क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका रहेगा, उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम करना है, इंडस्ट्री कैसे रन करती है। देखिए अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा ये है कि जब भी गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन अभी इन दिनों जो जारी किए जा रहे हैं उसके अंदर अप्रेंटिसशिप को मैंडेटरी कर दिया है बहुत सारे नोटिफिकेशन के अंदर। जैसे कि इन दिनों अभी रिसेंटली ECIL का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। उसके अंदर उन्होंने बोल रखा था कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्रेंटिसशिप मत करिए। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है और आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अप्रेंटिसशिप जरूर करके रखिए मिनिमम 1 साल की, जिससे आपको फायदा रहेगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पे अप्रेंटिसशिप को एज ए एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप कर लेना। और यहां पे बम्पर भर्ती निकाली गई है तो जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है,
साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग लोकेशन वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है, पूरा यहाँ पे इन्होंने चार्ट मेंशन कर रखा है, वर्क सेंटर क्या रहेगा, सीरियल नंबर क्या रहेगा, कौन कौन सी ब्रांच ट्रेड एलिजिबल है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी। तो यहाँ पे जैसे कि देहरादून के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, सेक्रेटरियल असिस्टेंट का, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक का, इलेक्ट्रीशियन का, आईटी के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, फायर एंड सेफ्टी के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। तो ये सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी देहरादून के अंदर 114। उसके अलावा यहाँ पे दिल्ली के लिए वैकेंसी निकाली गई है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी, सिविल एग्जीक्यूटिव का, इलेक्ट्रीशियन का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, और भी अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जोधपुर के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है जिसमें आप देख सकते हैं कि जोधपुर के अंदर यहाँ पे सारी वैकेंसी रहेगी, लगभग 160 के करीब वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। मुंबई सेक्टर के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, सेम यहाँ पे इन्होंने अपने क्वालिफिकेशन को मेंशन कर दिया है, टोटल वैकेंसी मुंबई के लिए 303 निकाली गई है। गोवा के लिए यहाँ पे 25 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। हजारिया लोकेशन के लिए यहाँ पे जो इन्होंने आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 45 वैकेंसी निकाली गई है, और भी ऐसे बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। वेस्टर्न सेक्टर के लिए अलग से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। 2500 वैकेंसी आपकी रहेगी जिसमें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 2500 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, आप एक लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप दिल्ली लोकेशन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कहीं दिल्ली से बिलोंग करते हैं और अदर लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आप उसी लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो तीन चार आप लोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ें मेंशन कर रखी है। एज जो रहेगा आपका 18 साल रहेगा मिनिमम, मैक्सिमम आपका 24 साल रहेगा जो कि यहाँ पे काउंट किया जाएगा 20 सितंबर 1999 से लेके 20 सितंबर 2005 के बीच में आपका जन्म हुआ है, या फिर इन डेट के ऊपर भी आपका जन्म हुआ है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, अपर एज लिमिट यहाँ पे 5 साल दी गई है SST कैंडिडेट को, 3 साल यहाँ पे OBC कैंडिडेट को, और PWD कैंडिडेट को 10 साल जनरल के लिए, SST कैंडिडेट के लिए 15 साल और 13 साल OBC कैंडिडेट के लिए दिया गया है। अब बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका डिसिप्लिन क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो अगर आप असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, रूम अटेंडेंट के पोजीशन के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल के लिए यहाँ पे 10वीं पास है, हाउसकीपर के लिए यहाँ पे 10वीं पास है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 12वीं पास है, और यहाँ पे मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक के लिए अगर आपने ITI कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोपा के अंदर अगर आपने ITI कर रखा है उसको अप्लाई कर सकते हैं, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए अगर आपने ITI कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन में अगर आपने ITI कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अगर आपने ITI कर रखा है, फिटर में अगर आपने ITI कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ITI वालों के लिए लगभग सारे ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है ITI वालों के लिए, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। बाकी बात की जाए यहाँ पे ग्रेजुएशन वालों के लिए या फिर डिप्लोमा वालों के लिए, तो डिप्लोमा के लिए ये वैकेंसी निकाली गई जिसके अंदर आप देख सकते हैं सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, फायर एंड सेफ्टी वाले अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपने यहाँ पे BBTECH कर रखा है पेट्रोलियम के अंदर या फिर पेट्रोकेमिकल के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने यहाँ पे जियोलॉजी में कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए। उसके अलावा यहाँ पे BA BCOM BSc वालों के लिए भी वैकेंसी है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए, स्टोर कीपर के लिए, और अगर आपने यहाँ पे BSc कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट के लिए केमिकल प्लांट के अंदर, और अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है कॉमर्स के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं अकाउंटेंट के लिए। तो ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे BBTECH वाले भी एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको apprenticeshipindia.gov.in पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिन्होंने ITI कर रखा है उनके लिए, और जिन्होंने यहाँ पे डिप्लोमा BBTECH कर रखा है उनके लिए यहाँ पे netseducation.gov.in पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे इन्होंने पहले सारी चीज़ें बता रखी है। और ये आपका 12 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा यहाँ पे अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है तो आपको 9000 रुपये पर मंथ मिलेगा, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 8000 रुपये पर मंथ मिलेगा, और अगर आपने यहाँ पे 10th 12th या फिर ITI कर रखा है तो आपको 7000 रुपये पर महीने के हिसाब से स्टाइपेंड आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्शन जॉब का रहेगा यहाँ पे मेरिट बेस रहेगा, जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर जितने भी परसेंटेज हासिल किए हैं उसी परसेंटेज के बेस पे आपका मेरिट बनेगा। फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कि जो आपका अप्लाई का रहेगा वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि आपको कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बता दी है।
और यहाँ पे जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग होगी, उनको यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू और जो भी आपने मोबाइल नंबर वहाँ पे डाले होंगे उस पर आपको एसएमएस आ जाएगा और वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बता दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है कि एप्लीकेशन प्रोसेस का जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका 20 सितंबर 2023 इसका लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाला है, और यहाँ पे जो रिजल्ट का रहेगा वो आपका 5 अक्टूबर को इसका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे इनका ऑफिशियली ईमेल आईडी दे रखा है, इन पे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जॉब लोकेशन वाइज बता रखा है कि अगर आप यहाँ पे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन ऑल डिस्ट्रिक्ट का रहेगा, दिल्ली के अंदर दे रखा है, राजस्थान के अंदर दे रखा है, गोवा का दे रखा है, जो गुजरात का दे रखा है, महाराष्ट्र का दे रखा है, और ये सारे लोकेशन यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं, तो आप उसको अच्छे से एक बारी देख लीजिएगा। अगर आप में से किसी को अप्लाई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके लिए डिटेल में बना दूंगा वीडियो अप्लाई का कि कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।